हरे कृष्णा ट्रेडर्स, इस वीडियो में आज हमारे स्टूडेंट चार्ट को रीड करने वाले हैं एंड बड़ी अंदर से खुशी मिलती है एक्चुअली में कि हमारे जो स्टूडेंट हैं जो अब से हमसे 1-1.5-2 महीने पहले जुड़े थे वो लोग इस तरीके से चार्ट को रीड कर पाते हैं। जैसे अगर बोला जाए तो हमें इस नॉलेज को पाने में लगभग समय लगा, लेकिन 2 मंथ में वो लोग हमारी सपोर्ट एंड गाइडेंस की वजह से चार्ट को इतनी आसानी से रीड कर पाते हैं, ठीक है। और जो भी चीज़ें होती हैं डाउट्स वगैरह वो तो हम सोल्व कर ही देते हैं, ठीक। ट्रेडिंग में हमेशा सपोर्ट और गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। मैं तो ये कहता हूँ कि ट्रेडिंग में नहीं, लाइफ में भी हमें सपोर्ट और गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो देखते हैं कि किस तरीके से वो चार्ट उन्होंने रीड किया है, उनके जो भी डाउट होंगे वो मैं सोल्व करता जाऊंगा। और यदि आप हमसे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में 360 डिग्री चेंज लेके आना चाहते हैं तो आप हमारे एडवांस प्राइस एक्शन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं हमेशा हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि ये डिसीजन आपकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन होने वाला है। मतलब आपको बाइनरी ऑप्शन में नॉलेज के लिए और मतलब प्रॉफिट के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यदि देखा जाए तो हमारा इंटेंशन भी सीधा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना होता है, ठीक है। तो यदि आप लोग ट्रेडिंग में सीरियस हैं तो हमसे डायरेक्टली इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं एंड ये डिसीजन आपकी लाइफ का ही बेस्ट डिसीजन होगा। बाइनरी ट्रेडिंग का छोड़िए, लाइफ का ही बेस्ट डिसीजन होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी सर, एक्चुअली मैंने इसमें ज्यादा दिन तक आया नहीं, मैंने करीब 3 महीना हुआ है मेरा। फिर भी 3 महीने भैया जी, और जी। जो लोग सिद्धार्थ जी कितने दिन से आए पूछे इनसे, मेरे तो 3-4 साल हो गए सर। तीन चार साल में ऐसा रिजल्ट नहीं आया भैया। नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे 2-3 महीने में मतलब इतना प्रोग्रेस, और तो और जैसे कि आप लोगों के मतलब ये कोर्स और कांटेक्ट आने के बाद तो मेरा तो पूरा डाउट ही खत्म हो गया। मैं हर टाइम मैसेज करता हूँ ना, मुझ में मतलब बहुत कॉन्फिडेंस। सबसे मैंने क्या बोला था, सबसे मैंने जिससे मेरी बात हुई है स्पेशली एक ही बात बोला था, सबसे बोला होगा कि दिस डिसीजन योर लास्ट डिसीजन इन बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग। Yes or no? जी बोला था आपसे भी, आमिन भाई से तो बोला ही था। आमिन भाई से तो मैंने ये बोला था, आमिन भाई अगर आपको कोर्स समझना है ना 2 क्लास तो आपका 100% पैसा वापस। जी सही समझ रहे, यूट्यूब में किधर भी नहीं मिलेगा सर, मैं ये गारंटी के साथ बोलूंगा। जितना यूट्यूबर है सब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोल के सबको उल्लू बनाता है ये तो बिल्कुल। और हमारा जो सपोर्ट और गाइडेंस है, लॉजिक क्या होता था उतना खास मालूम नहीं था। अब यहाँ पे आने के बाद में चीज समझ में आए, लेकिन स्टार्ट करते हैं चार्ट की रीड करने के लिए और कैसे सोचते हैं बात करते हैं। अभी मैं आपको वही कहूंगा कि मेजर के साथ हम कम ही ट्रेड करेंगे, मतलब कम करो मेजर के साथ ज्यादा करेंगे और माइनर के साथ कम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, मैं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ आप ही पढ़ लीजिए फिर आप। अभी तो हमारे पास क्या एक्सिस है पूरा, और आज मेरी क्लास भी नहीं है तो आप ही पढ़ लीजिए भैया एक एक लूप करके, है ना, देखते हैं क्या होता है। आमीन कौन स्टार्ट करेगा? वही स्टार्ट करते हैं सर। ठीक है सर, अभी तो सेकंड कैंडल पे हम लोग वेट करेंगे क्योंकि ये माइनर वेव है तो बॉडी इंक्रीज होके नहीं आया है। यस यस, ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल पे फिर से बायर्स इंक्रीज होके आए हैं, फिर भी वो सीएल के पास है ना, अब क्योंकि ये सेलर्स वीकनेस नहीं दिखा है यहाँ पे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे बिल्कुल माइनर वेव की वजह से। आप देखेंगे तो यहाँ पर न्यू लो भी क्रिएट हुआ, न्यू लो भी क्रिएट हुआ इस कैंडल में, न्यू लो क्रिएट हुआ तो ये भी नुकसानदायक है।
इन वीक का मतलब क्या हुआ? इन वीक का मतलब सेलर एंट्री लेना स्टार्ट लग गए, तो न्यू हम लो नहीं इसके तो लिए, जल्दी सारा हाँ न्यू नहीं, लो नहीं ये होता तो सोचते। लो 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 रहने की वजह से इसका मतलब क्या है सर वहां पे न्यू लो रहने की वजह से? लो रहने का मतलब है सैलर, सैलरी तो लेके आएंगे नीचे तक इसे, तो हाँ सेलर्स लेके आएंगे। सैलर न्यू लो बना रहे, इसका मतलब इंटरेस्ट है काफी हद तक, मजे मतलब आ रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं। ओके सेलर्स एंट्री स्टार्ट हुआ बोले ठीक जैसा। है, एक काम करते हैं, पहले आप इस लुक को आप खुद पढ़िए, फिर मैं इसी लुक को मैं दोबारा पढ़ूंगा, फिर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि मैं कैसे पढ़ता हूँ आप कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, जी जी हाँ ठीक है, हाँ आप पढ़िए, तो मैं हर उसके लुक को आपके बाद बाद पढ़ूंगा। ठीक है, तो आप मैच कर लेना, थोड़ा टाइम तो लगेगा इस क्लास में, बट लेकिन मेरे हिसाब से अभी मेरे पास कोई क्लास भी नहीं है आज इसके बाद, तो कर सकते हैं 9:30 तक, कोई दिक्कत नहीं। कोई बिजी है आप में से? नहीं, एकदम मस्त सर। और स्टोरी नहीं मेकिंग में तो बहुत अच्छा सर लगता है, मतलब छोड़ के जाने का मन नहीं कर ओके रहा। सर, ये हाँ छोड़ेगा बिल्कुल दिखिए बिल्कुल, पड़ेगा सर। हाँ जी, चलिए भैया, हाँ तो यहाँ पे बायर्स इंक्रीज होके आए हैं लेकिन नया न्यू लो भी बनाई है लोग यहाँ पे, तो बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब है सेलर्स पे एंट्री यहाँ पे है शायद ऐसा। तो और बाद में फिर से बायर्स फिर से स्ट्रांग होके आए हैं। स्ट्रांग हो क्या है लेकिन अभी अपना सीएल के करीब में है और नया हाई भी नहीं बना सके लोग का हाई, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे बायस होता खास नहीं है बोले जैसा। तो यस बिल्कुल सही है। वेट करेंगे इस पे भी। तो उसके बाद में एक सेलर्स आए हैं मगर नीचे से बहुत बड़ा रिजेक्शन है इनका, बिल्कुल बिल्कुल, स्विंग हाई भी नहीं है तो बायर का भी इंटरेस्ट स्विंग नहीं हाई है, नहीं है। हाँ स्विंग हाई और नहीं है सेलर और सेलर ने बॉडी श्रिंक कर दी बायस लास्ट टू इंटरेस्ट में है कैंडल में, और ठीक है, तो सेलर भी इंटरेस्ट नहीं शो करा रहे, ठीक सेलर्स भी इंटरेस्ट में है यहाँ पे। तो है बिल्कुल। हाँ जी भैया, उसके चलिए, बाद एक बायस का कैंडल आया है साइज इंक्रीज करके और एग्जैक्टली यहाँ पे क्लोज दिया अपना सीएल के करीब में क्लोज दिया है। तो हम लोग यस यहाँ पे वेट करेंगे क्योंकि तो अपने टारगेट पे पहुँचा है। तो हमारा हिसाब से स्ट्रक्चर यहाँ से लोअर लो को जाने का है तो विल वेट बिल्कुल किया। बिल्कुल सही है, मतलब तो आपके उसके बाद एक्सपेक्टेशन ये होगी। जी हाँ वहाँ जाएगी और वहाँ से दोबार लो जाएगी। वेरी गुड, ठीक है तो यहाँ पे फिर से बायर्स आ गए और ये जो खुद के वीक होने, खुद से वीक हो गए हैं इस बार। खुद से वीक होके आ गए बायर्स, तो हम लोग यहाँ पे फिर से वेट करेंगे क्योंकि सीएल क्रॉस होने के बाद में जो वेट करना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पे, सीएल क्रॉस हो गया था। बिल्कुल तो बिल्कुल उसके सही है। बाद फिर से बायर्स स्ट्रांग होके आए हैं। तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है कि शायद मार्केट सीएल C1 देने जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे गैप रहने की वजह से ये जो कैंडल है ना, क्योंकि यहाँ पे बायर्स कंटिन्यूअसली दो कैंडल में इंक्रीज होके आया है, तो यहाँ पे ये कैंडल पे हम ट्रेड करेंगे क्योंकि दो कैंडल में बायर्स बढ़ के आए हैं और यहाँ पे लेवल में गैप है। वेरी अच्छा सर गुड, इसका तो गैप डाउन भी ओपन हुआ है ना, बहुत हाँ जबरदस्त गैप तो डाउन ओपन हुआ है। बिल्कुल, बॉडी के अंदर से हुआ तो ये तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट हो हाँ गया, बॉडी के अंदर से हुआ है गैप डाउन, तो अभी टारगेट ये स्ट्रॉन्ग। लेवल पे पहुंच गया यहाँ पे। तो हम लोग वेट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट बिल्कुल कैंडल में बायर्स बहुत वीक आए हैं विद ह्यूज रिजेक्शन, नीचे से बहुत बड़ी रिजेक्शन है। तो देखिए, लेवल नहीं, इसका इसे हम मतलब लेफ्ट लेग बोलेंगे, हाँ लेफ्ट लेग तो हाँ इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि लेवल बोल देंगे तो क्या होगा, हम रिवर्स भी कर सकते हैं, तो लेवल हाँ नहीं जाते लेवल हैं। और मैक्सिमम लेफ्ट टाइम लेग। आपको मैं देखने को आपको मिलेगा, मैं बताता हूँ क्या मैटर है, मैक्सिमम टाइम अगर ऐसे स्ट्रोंग करके तोड़े ना लगातार दो कैंडल और स्ट्रोंग करके तोड़े, तो आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी से आपकी ट्रेड कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि हाँ एम ओके अब आपके हाथ में पावर है, अब बायर के हाथ में पावर है, और जब तक बायर वीक नहीं होंगे तब तक सेलर नहीं आएंगे, बिना लेवल के तो नहीं आएंगे। फिर कौन सा वाला कैंडल के बारे में बोल रहे हैं? लास्ट बायर ओके जो सर राउंड अप करके है ना वो कैंडल के बाजू ओके। का। अच्छा आप इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूज करेंगे नीचे आने पर, बॉडी जो लाइन लगी है इसके नीचे, क्यों जी जी ओके ओके ठीक करेंगे, लगातार है। दो कैंडल बॉडी इंक्रीज करके तोड़ रहे हैं, पीछे लगातार दो कैंडल और सैलर भी लगातार वीक हो रहे हैं लास्ट टू कैंडल में, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। ठीक तो ये थी आपकी आज की स्टोरी में की, कुछ हुआ
कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं, यही तो चीज है। यहां तक कि मैं पढ़ दूंगा, अभी जब मैं पूरा नीचे से पढ़ूंगा तो यहां तक कि मैं पढ़ दूंगा, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो रही है, तो इसको मैं रीड करूंगा यहाँ से, ठीक है? आप समझना बस केवल, अब ध्यान दीजिए। मैं अब मैं देखना मैं कैसे पढ़ूंगा, आप देखना कि आपके पढ़ने में और मेरे पढ़ने में किस तरीके से मैं सोचता हूँ, इस सोच को पकड़ने की कोशिश करना। जी अब मैं मार्केट में यहाँ आया, मेरे को पता कि यहाँ पर बायर सेलर खुद को वीक कर रहे हैं। देखिए कुछ चीज आपकी सेम बैठ जाएंगी, बस मैं क्वेश्चनिंग यहाँ पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा करने लग जाऊंगा। क्लियर? क्वेश्चनिंग करना इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर किसी की क्वेश्चनिंग कमजोर है ना, बाहर कमजोर है ठीक है, उसे कमजोर रखिए, पर ट्रेडिंग में कमजोर नहीं, उसे स्ट्रांग बनाइए। यहाँ पर सेलर क्यों वीक हो रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता मैं लोअर लो बन चुका है, तो कहीं ना कहीं से लोअर हाई क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि सेलर भी मूर्ख नहीं है कि मार्केट को नीचे लेके चले जाएंगे, कहीं ना कहीं तो बेवकूफी करें, ये इतनी बेवकूफ इंसान नहीं है। तो सेलर ने खुद को वीक किया, तो बायर को आना ही पड़ा। क्यों आना पड़ा? क्योंकि लोअर लो बन गया और हायर, और सेलर भी खुद को वीक कर रहे हैं, तो बायर स्ट्रोंग हो गए, तो इसमें कोई ताज्जुब वाली कोई बात है नहीं। यहां एनगल्फिंग मिली है स्कैंडल में, लेकिन क्या हम इतने मोमेंटम के साथ ट्रेड करते हैं अगेंस्ट? नहीं करते, तो एनगल्फिंग भी हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है जी भैया, अब इस कैंडल में क्या हुआ? बायर खुद को श्रिंक कर रहे हैं खुद से, लेकिन सेलर से स्ट्रांग है, तो कोई कंफर्मेशन नहीं, अपनी जा सकते, ट्रेंड के अंगेंस्ट है। सिंपल, यहां तक आपकी स्टोरी एकदम ठीक सही थी। क्वेश्चनिंग कहाँ है होती है? टारगेट पर जाके होती है ज्यादातर। अब यहां पर सेलर का इंटरेस्ट, क्योंकि हमें पता था भाई वीक हो रहे, कहीं ना सेलर क्या दिखाया, इंटरेस्ट दिखाया, लोअर लो मतलब न्यू लो बनाया, और उसके बाद पर लेकिन बायर अब भी कह रहे कि भाई अपने बस की, अपने पास बहुत पैसा, हम खरीद मारेंगे सब कुछ, टारगेट सेंटर लाइन या लेफ्ट लेग ये वाला। अगेन इस कैंडल में इसको आना पड़ा, क्यों? क्योंकि इसे विक को कवर करना था, वो टारगेट में गैप है, पर अगर ये इतने स्ट्रांग होते तो भाई न्यू हाई बना देते। लास्ट जो फोर्थ कैंडल है ये, मैं अगर बायर स्ट्रांग होते तो भाई न्यू हाई बना देते ना, अच्छा, ओके, करेक्ट। तो स्ट्रॉन्ग नहीं है मतलब। और दूसरी बात, सेलर की एंट्री दिख गई, ऑलरेडी विक्स आने लग गई, तो यहां पर सेलर कैंडल का आना बनता है। मैं अगर आपसे कहूं कि अगर यहां एक लेवल होता ना ऐसे इस जगह पर, मैं यहां डाउन की ट्रेड करता, मेरे पास स्विंग लो है और सेलर बायर न्यू हाई नहीं बना पा रहे, केवल इन्होंने गैप को पूरा किया इसको, तो मैं इस पर डाउन की ट्रेड करता, ये मेरी विन हो जाती, पर लेकिन मैं ट्रेड नहीं करूंगा। क्यों? लेवल नहीं मेरे पास। अब यहां क्या हुआ? देखिए सेलर ने यहां तक इस कैंडल में कितना ट्राई किया, खुद को श्रिंक कर दिया। सेलर ने यहां पर क्वेश्चन मार्क बनता कि खुद को श्रिंक क्यों किया है? बायर बिना रुके ऊपर जा रहे, वो भी स्विंग लो होते हुए भी, तो कहीं ना कहीं सेलर चेक कर रहे हैं बायर्स को कि देखे तो सही ऊपर लेकर जाएंगे नहीं, कुछ तो है गड़बड़। तो सेलर ने क्या किया? चेक किया और पप्पू पास हो गया, मतलब सेलर जीत गए। नेक्स्ट कैंडल बता रही है वो हमें, समझ रहे हैं? बट यहां पर बायर ने भी इस कैंडल में बायर ने कोई शो कराया नहीं है, क्योंकि स्विंग हाई क्रिएट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं बायर का इंटरेस्ट भी नहीं कह सकता मैं। हाँ बेशक रिजेक्शन है इस वीक के अंदर, पर इंटरेस्ट नहीं बोलूंगा, पर लेकिन ये कैंडल बता दे कि बायर बहुत इंटरेस्टेड है, मजेदार है। अब क्वेश्चन मार्क क्या है? इंटरेस्ट तो शो हो ही रहा है, लेकिन एक और प्रॉब्लम है, क्या पता बायर टारगेट तक पूरा करने गए हो सेंटर लाइन, हो सकता नहीं। अब अगली कैंडल आती है आपकी बायर की। अब बायर कितने समझदार है, देखिए बायर की कैंडल यहाँ इंक्रीज हुई है, तो बायर आ गई, लेफ्ट लेग है, सेंटर लाइन तोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। बायर समझदार है, बायर चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं कि भाई थोड़े से श्रिंक होकर देख लेते हैं, क्या पता सेलर आई जा में। पर सेलर ने तो ऑलरेडी दम छोड़ दिया, लास्ट टू कैंडल देखेंगे तो अब सेलर की, सेलर को सेलर कह रहे हैं भाई ठीक है, पर इस कैंडल ने, याद रहे इस कैंडल ने इस सेंटर लाइन को रीटेस्ट करके गई है, ये लेफ्ट लेग ये वाली जो कैंडल है लास्ट छोटी सी बायर, रीटेस्ट कर दिया ऑलरेडी, करेक्ट, नीचे वीक देखेंगे तो तो सर ठीक। गैप अप भी ओपन किया है, गैप हाँ गैप अप भी ओपन किया, वेरी गुड, और रीटेस्ट गैप अप किया, हुआ गैप है अप और लेवल के ऊपर में भी है। बिल्कुल। तो नेक्स्ट कैंडल में वेट करेंगे, क्योंकि बायर ने बॉडी डिक्रीज किया, क्या पता मार्केट, कभी कभी क्या होता है मार्केट तोड़ के नीचे आ जाती है, कभी कभी ऐसा होता है, कई बार आपने देखा होगा सेंटर लाइन पे।
बट लेकिन भाई अगेन स्ट्रोंग होके आ रहे हैं, तो जैसा कि अमीन भाई ने बताया कि अगेन स्ट्रोंग होके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सैलर कह रहे भाई अपने बस की नहीं है, काम करो लेके चले जाओ, और सैलर की लास्ट की दो कैंडल देखेंगे तो वो भी खत्म है। तो यू कैन ट्रेड हेयर, बात वेरी गुड, बहुत खतरनाक ट्रेड है। देख रहे हैं आप, कहेंगे सर ट्रेंड के अगेंस्ट, नहीं ट्रेंड के अगेंस्ट है पर स्ट्रक्चर के तो साथ है, अब तो स्ट्रक्चर सी बन देने जा रहा है। अब जैसी देखे टारगेट है, पर यहां पर एक बात है, हमारे पास स्विंग लो नहीं है, रिवर्स का कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा मेरे पास, यस और नो। अब जब रिवर्स का ऑप्शन नहीं दिखा, लास्ट टू कैंडल में बायर इंक्रीज हो रहे हैं, लास्ट टू कैंडल में सेलर डिक्रीज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पावर में बायर, और मेन टारगेट मेरा ये केवल ये तो मेरा लेफ्ट लेग है, हाँ तो आप इस कैंडल पर इजीली अप की ट्रेड भी कर सकते हैं इन दोनों कैंडल पर। क्यों? हाँ, पर इस पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी करना लास्ट पर, क्योंकि लगातार दो बॉडी इंक्रीज करके जब भी लेफ्ट लेग टूटता है स्ट्रक्चर के साथ पावर के साथ, तो आप इस पर इजीली मार्जिन ऑफ सेफ्टी से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक वीक कैंडल आएगी जरूर, और नहीं भी आएगी तो एक वीक रेड आ जाएगी या वीक ग्रीन आ जाएगी, आप तो पैसा बना के ले जाएंगे। ट्रेंड के साथ ही कर रहे हैं ऐसे कांड, ट्रेंड के अगेंस्ट आपको कुछ करना ही नहीं है, हैमोस ले लो कुछ भी ले लो, ट्रेंड के अगेंस्ट कुछ नहीं करना। अब बायर ने खुद को वीक कर दिया, क्योंकि काफी हद तक ओकास से ज्यादा ऊपर ले गए ने, जबकि ने यहीं से आना था, तो कहीं ना कहीं बायर ये कहना चाहते हैं भैया हम जान है और हम लेकर जाएंगे। पर बायर जैसे यहां पर वीक हुए, देखिए अब ऐसा तो नहीं है मार्केट सीधा ऊपर चली जाएगी ऐसे करके, कहीं ना कहीं से तो आएगी, और हमारे जहां से पहले यहां से आनी चाहिए और दूसरी यहां से आनी चाहिए। अब जैसे ही बायर यहां वीक हुए तो किसको आना चाहिए? सेलर को। हेलो सेलर आ गए, इसको मैं थोड़ा कर देता हूँ रफ, सेलर आ गए भाई, सुइंगा ही बना के आ रहे हैं थोड़ा वो, ठीक है वो भी काफी हद तक स्ट्रोंग आए, बट इस बायर की विक के अंदर ही क्लोज है, यस और नो? यस तो ये लास्ट छोटी सी कैंडल है बायर की विक के अंदर, अगर सेलर यहां पर इंटरेस्टेड है तो बायर का यहां पे स्ट्रोंग होने का कोई ऑप्शन बनता नहीं, समझ रहे हैं नहीं? सही। और बायर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रहे खुद से, लेकिन सेलर से वीक है, तो वेट करेंगे इस कैंडल पर भी। अब बायर तो समझ गए, अब सेलर समझ गए, अगर मैंने इसे तोड़ दिया जब बायर का इंटरेस्ट यहाँ शो हो रहा है, तो मैं खुद को श्रिंक कर लेता हूँ। सेलर ने श्रिंक कर दिया, अगर सेलर स्ट्रॉन्ग होते तो तोड़कर निकल जाते, सिंपल सा लॉजिक है। पर सेलर यहाँ पर क्यों श्रिंक कर रहे? क्योंकि मेन टारगेट ये नहीं है, मेन टारगेट ऊपर है। अब सीधी सी बात है, जब सेलर ने खुद को श्रिंक किया इस कैंडल में, स्विंग हाई भी नहीं बनाया, बायर का इंटरेस्ट भी नहीं, पर भैया बायर काफी हद तक स्ट्रांग हो रहे हैं। और नेक्स्ट टारगेट कहाँ भैया जी हमारा? ये ठीक है जी, आप इजीली इस पर भी अप की ट्रेड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम, विन हो जाएगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वेरी गुड महमूद। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों लेनी है? देखिए ये भी ब्रेक हुआ है और ये भी ब्रेक हुआ है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टारगेट ऊपर है, समझ रहे हैं? अगर थोड़ा और गैप होता ना इसमें, तो मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी से आपको इस पर भी बोलता ट्रेड करने के लिए, मतलब मार्जिन करो, इस पर तो ओपनिंग करेंगे, क्योंकि दिस इज ओनली रिट्रेसमेंट कैंडल, क्लियर है? बट लेकिन इसने क्या कर दिया, गैप ज्यादा नहीं बचा हमारे पास, और टारगेट भी यही है, क्योंकि बायर देखे ना पीछे लास्ट टू कैंडल में इंक्रीज हो रहे हैं, सेलर लास्ट टू कैंडल में डिक्रीज हो रहे हैं, आप इस पर भी अप की ट्रेड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ा बहुत गैप ज्यादा हो तो बेहतर रहे वह। अब मैं लगा दूंगा इस तरीके से जोन, अब भैया सीधी जाके इनका क्लोजिंग दे रही है, जोन पे दे रही है, सिंपल है, वेट करेंगे, और टारगेट भी यही था, इस पर नहीं करेंगे ट्रेड, बायर ने खुद को वीक कर लिया, आने होते तो भाई बायर यहीं से चले जाते ऊपर, अगर इतने स्ट्रोंग ही हैं, लेकिन बायर क्या कर रहे हैं, यहां पर भी इस वाले वीक को हाई बनाने को तैयार नहीं है इस वीक से, तो कहीं ना कहीं बायर अपने आप को क्या कर रहे हैं, श्रिंक कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं तोड़ने की, लेकिन श्रिंक कर रहे हैं। ठीक है भैया जी, तो अब यहाँ पे हमें C1 C2 मिल चुकी है।
हाँ जी भैया जी, यहाँ तक क्लियर है। अब इस लूप को पढ़िए, कौन पढ़ेगा? छोटा सा लूप है, पढ़ दीजिए। ये तो वैसे मैंने पढ़ ही दिया था पहले भी, अभी दोबारा पढ़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फ्री हैं सर? ओके। हाँ जी भैया बताइए, कौन पढ़ेगा इसे? अरे बता दीजिए। अरे सबका ही नंबर आएगा भैया। हेलो। हेलो, हाँ जी भैया पढ़िए। जीतू जी, तू अभी मार्केट आया है मना लिया, फिर मार्केट को आया लोग मनाने के लिए जाना है मार्केट। बिल्कुल। हाँ, पहले उसका अभी पहले वो सिला कैंडल आया, सिला कैंडल ने बाया कैंडल को एंगुल किया, अभी लेकिन नहीं एक क्या? हम अभी अभी नहीं क्या? ये वीक एंगुल नहीं, वीक के अंदर ही। एंगुल नहीं हुआ अभी तक, लेकिन वो बाया खुद से, सिरा कैंडल खुद से इंक्रीज हुआ है, खुद हाँ खुद से कीजिए। वेरी गुड। से इंक्रीज। नेक्स्ट कैंडल ने भी बाया सिरा आया है, और वो लेफ्ट लेग भी जो है ना, वो लेफ्ट लेग भी ब्रेक किया है खुद से, बॉडी यस, इंक्रीज कर तो। ये लेफ्ट लेग ब्रेक हुआ है और इस लेफ्ट लेग पे क्लोजिंग है। नेक्स्ट लेग हम यहाँ पे भी वेट करेंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट पीछे नेक्स्ट कैंडल, अब नेक्स्ट कैंडल सिला कैंडल आया है, हम लोग का अभी सीएल में गैप है, पर नेक्स्ट हाँ कैंडल वो बिल्कुल। कैंडल सेल में गैप है, और खुद से भी बॉडी इंक्रीज है, इसलिए हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं एमएस के साथ, हाँ बट एमओएस दिया नहीं, एमएस नहीं दिया, पूरा ऊपर तो जाने ट्रेड से कर सकते हैं, ओके ट्रेड करेंगे नहीं, है देखते ना? होंगे नहीं, तो यही खतरनाक, बस देखते यही है। उसने दिया नहीं, अपन लोगों ने ली नहीं, काहे उसके साथ जबरदस्ती करनी है। होंगे। हाँ जी बताइए अब आगे। नेक्स्ट कैंडल में बाया आ गया, सेलर वीक हुआ इसलिए बाया आ गया। अच्छा सैलरी वीक क्यों मार्केट हुई? अभी सेलर वीक इसलिए हुआ है कि उसका उस 47 टारगेट तक पहुंच गया, वेरी गुड वेरी गुड। इसलिए बायर आई है पर सलाह लेकिन फिर भी स्विंग लो बना दिया, मतलब सेलर का भी इंटरेस्ट हो रहा। का भी, इसलिए फिर से सलाह कैंडल आया है वो रिटेस्ट करने के लिए। बिल्कुल, जैसे आप लोगों से क्या बताया था कि अगर ऐसे स्विंग लो बना के मार्केट ऐसे एंगल्सिंग दे देती है तो यहाँ पर तो ट्रेड करनी चाहिए आपके लिए, जो रेड कैंडल है हमारी। यही तो बताया था आज की क्लास में। बताया बिल्कुल, बट प्रॉब्लम क्या है, ये कैंडल पता नहीं चल रहा डोजी है या सेलर कैंडल है। मैंने बताया था लास्ट जो सेलर कैंडल है उसकी ओपनिंग से ट्रेड करनी है। आप बताइए, यहाँ पर सेलर कैंडल तो है ही नहीं। आपको अगर एमओ एज की क्लास याद हो तो यही तो बताया था कि भैया यहाँ पर कोई सेलर कैंडल, उसकी ओपनिंग से आपकी ट्रेड लगाएंगे, पर यहाँ तो कोई सेलर कैंडल है ही नहीं, ओपनिंग है ही नहीं। उसके पीछे का लॉजिक क्या है? उसके पीछे का लॉजिक क्या? मान लीजिए सेलर कैंडल है और इस तरीके से उसमें वीक है, तो जब ये ओपन हुई होगी तो यहां से ओपन होते ही ऊपर कौन लेके गया होगा? उल्टा तो बायर बैठे होंगे या नहीं? है, इस वजह से ओपनिंग पर ट्रेड, ओपनिंग पर लगाते हैं ट्रेड। बहुत डीप बात है, बहुत डीप बात, कैंडल के अंदर की बात, गहराई जो होती है ना वो बता दी मैंने आज आपको, कि बायर की ओपनिंग मतलब सेलर की ओपनिंग पर क्यों लगाते हैं। हर लॉजिक के पीछे, मतलब हर चीज के पीछे लॉजिक है अपना, ऐसे नहीं बताते हैं। और मैंने तो बताया यहाँ पे तो करें, यहाँ पर जब ओपनिंग हुई ऊपर लेके गए बायर, तो ऊपर जो विक में बैठे होंगे इस जगह पे तो बायर ही बैठे होंगे, इसलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ से लेते हैं। कभी भी मैंने ये नहीं बताया होगा आपसे कि भाई यहाँ से ट्रेड लेनी है इसकी क्लोजिंग से, क्योंकि नीचे यहाँ पर तो भैया नीचे तक जो लेके गया होगा वो तो सेलर लेके गए होंगे ना, क्लोजिंग से नहीं लेनी। अगर लेनी है फिर यहाँ से लीजिए, यहाँ से बायर एंट्री ले रहे। थोड़ी सी इन कैंडल की अंदर की साइकोलॉजी को समझ मुझे।
तो इसकी एंगल्फिंग पे ट्रेड नहीं करेंगे हम, वेट करेंगे। क्यों, स्विंग लो भी है, कोई सैलर कैंडल की ओपनिंग दिखे तो जाए भी, कहीं ही नहीं तो क्या करें। पर आप कहेंगे सर यहाँ पर डोजी है तो ऊपर लेके गए ना, वो कहीं ना कहीं बायर तो यहाँ भी बैठे हैं। प्रॉब्लम ये है, ये है डोजी। अब डोजी में ना बायर इंटरेस्टेड होते ना ही सैलर इंटरेस्टेड होते, तो मैं कैसे कह दूं। तो किसी का कुछ क्वेश्चन है इसमें, एक भी लूप में एक भी ट्रेड नहीं है, ये सही बोले हैं, थी तो ये वाली मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दी नहीं तो ली नहीं, सिंपल। हाँ जी भैया सीएल बिल्कुल, सीएल तक आ गया। अब बताइए भैया नेक्स्ट लूप कौन पड़ेगा, ये वाला ऊपर जो जा रही है। हाँ मैं पढ़ूं सर। जी पढ़िए। हाँ तो मार्केट सीएल तक आया है, तो एक बायर कैंडल आए, स्विंग लो बनाएंगे, बिल्कुल। इनगल्फिंग नहीं दिया है तो वेट करेंगे। दूसरा कैंडल आया है, स्ट्रांग हो गया है, तो मेजर ट्रेंड मेजर है, तो हम इसके नेक्स्ट में जा सकते हैं। बिल्कुल, नेक्स्ट में जा सकते हैं। इसके पीछे का रीजन ये भी है, दिस इज द पीके कैंडल। पीके का मतलब पॉकेट खाली, सेलर खत्म। अगर सेलर को आना होता, मैंने क्या बोला, अगर पॉकेट खाली सच में तो बायर ऊपर लेके जाएंगे, यस और नो, यही तो बोला था। तब सबको आपको पीके की क्लास दी है, और हमेशा पीके की क्लास में ये बोला कि अगर खाली है तो ऊपर चले जाएंगे, वरना क्वीन बना देंगे। क्वीन कब बनेगी, जब मार्केट वहां पे वीक होगी, उसकी ओपनिंग पर। क्वीन बनी नहीं, ऊपर चलेगी, सीधी बात है। मार्केट का स्ट्रक्चर भी आपका क्या कह रहा है, ऊपर जाने की कह रहा है, तो आप लोग इस पर ट्रेड कर सकते हैं इजिली। मेन बात है यहां से यहां तक का पेशेंस। लास्ट ट्रेड ये थी ना, मैं रेड कैंडल पर थी, यहां से यहां तक का पेशेंस ये आपके अंदर जनरेट होना चाहिए। और यही खेल है सारा ट्रेडिंग का, जब तक मिले नहीं तब तक लेने का नहीं। हाँ जी भैया बताइए आगे। तो नेक्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग हो गया है, लेकिन वो लेवल में क्लोज हुआ है। बिल्कुल, देखिए आप चाहें तो इस पर भी अपकी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि पॉकेट खाली कैंडल है और टारगेट अप है। लेकिन मैं अभी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि दो चार आप चीजें देख लें, आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें पकड़ ले, फिर आप ऑटोमेटिक लगे ले, क्योंकि दिस इज अ कॉन्टिन्यूशन साइन। बट मैं, हमने तो आपको लेकिन सर पढ़ाया नहीं कि इसने, वो। हाँ बताइए। लेकिन सर इस इसने अपने आपसे भी और बायर से भी जो है हाँ वो भी किया, तो बिल्कुल नेक्स्ट पे हम बिल्कुल नहीं जा सकते ना। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं जा सकते, नहीं वो कह रहा था, मैंने कि जा सकते हैं बट, लेकिन थोड़ी प्रो लेवल ट्रेडर है, आप इसको पी के मानेंगे तो जा सकते हैं। बट लेकिन आप अगर पावर देखेंगे तो यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, वेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हाँ ठीक। जी भैया जी पढ़िए, सिद्धार्थ जी। तो वो लेवल में क्लोज दे, वेट करेंगे। एक मिनट रुक गया, अगर लेवल में क्लोजिंग दी है तो वेट करेंगे भैया। हाँ क्लोजिंग तो लेवल पे ही है, टच कर दिया, वेट ही करेंगे। रिवर्स का तो कोई ऑप्शन ही लेवल, नहीं है हमारे पास। हाँ लेवल वेट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल, नेक्स्ट आया सेलर का कैंडल। ये हमारी सैलर। अच्छा ये सैलर की कैंडल क्यों आई है। क्योंकि लेवल टूट चुका है, तो रिट्रेसमेंट के लगे। वेरी गुड, यही तो चीज सीखनी है। और क्या बना के आई है, सिंह आए। मतलब वायर इंटरेस्ट है, हम कहाँ से रिप्लाई लेंगे, या तो डेंजर जोन से, या फिर पिछले जो लोअर लो है, जो सॉरी हायर हाई है, बट वहां पर उसने दी नहीं। नहीं दी। इस कैंडल में बायर इंटरेस्ट, बायर वीक क्यों हो रहे हैं, वो भी स्विंग लो बन रहा है तो सेलर इंटरेस्टेड है, और बायर वीक हो रहे तो कहीं ना कहीं फिर भी सेलर को सेलर को। वेरी, हाँ जी भैया बताइए। सेलर वीक हो गया है, लेकिन स्विंग आई नहीं है, तो वेट करेंगे। बिल्कुल, स्विंग आई नहीं है, सेलर भी हो गया है। बस करिए भैया जी, आपका टाइम हो गया। छोड़ थैंक यू सर। दीजिए, छोड़ दीजिए भैया, और भी लोग हैं, ओके उनको भी मौका देते थोड़ा सा। एंड ओके अब हमारे तीन लोगों ने पढ़ दिया, अमीन जी ने, जीतू जी ने, और साइमल जी, आप आप पढ़ लीजिए फिर आगे का। जी। तो मैं कहाँ से शुरू करूँ सर? ये बायर की छोटी सी कैंडल आई है, क्यों आई है, क्वेश्चन मार्क, सॉरी बायर की करो, सेलर की। सेलर की। अच्छा
तो सेलर भी तो यहीं पे मतलब रिटेस्ट रिटेस्ट किया है ना। हाँ, सेलर की जो छोटी सी कैंडल है ना, ये वाली, ये कैंडल क्यों आई है? बायर तो वीक है, अगर सेलर को इंटरेस्ट होता तो भाई इसमें आने चाहिए थे। कुछ नहीं बना कि अगर देखिए यहाँ पे किस तरीके सोचना है, सेलर भी वीक बायर भी वीक, सोचना बाय भी हाँ वही है, ही इसीलिए बंद कर दीजिए। दोनों ही मतलब वही है, तो एक दूसरे के मतलब रिटेस्ट ले रहा है, मतलब टेस्ट कर एक रहा है। दूसरे, हाँ एक दूसरे को टेस्ट कर रहे हैं, तो अब हमें क्या अगली कैंडल डिसाइड करनी है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, पहले तो सेलर टेस्ट में फेल हो गए, फिर सेलर सेलर उसके को, हाँ सेलर को पास टेस्ट किया लेकिन सेलर फेल हो गए, पर बायर पास हो रहे हैं फिर इधर, बायर इधर पास हो रहे हैं इस कैंडल में स्ट्रोंग होकर। हाँ सर ये जो फाइनल टेस्ट। प्रीवियस छोटी ग्रीन कैंडल है, इसकी रिजेक्शन की वजह से तो नहीं ये सेलर की कैंडल आई नहीं, ऊपर, यहाँ पे सेलर प्री एरिया की रिजेक्शन की वजह से? नहीं, सेलर कैंडल आई कौन सी है, छोटी सी जो सेलर कैंडल, इसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ, जी। देखिए यहाँ तो सेलर की ड्यूटी थी आना, क्योंकि तो बायर ने खुद को वीक किया और टारगेट पर है मार्केट, पर इतनी वीक आना नहीं थी, मतलब कामचोर सेलर है। ठीक ठीक है, ओके। है, तो अब क्वेश्चन मार्क बनता है कि सेलर यहाँ वीक क्यों हो रहे हैं। सेलर यहाँ इसलिए वीक हो रहे हैं क्योंकि बायर को मौका दिया जा रहा, भाई ले जाओ, अब भी चले जाओ, फायदे में रहोगे। और बायर आया, ऐसा नहीं है कि आए नहीं, आए हैं बायर। अब बताइए नेक्स्ट पर किस किस के दिमाग में चल रहा कि नेक्स्ट पर अब की ट्रेड करेंगे। एक्चुअली सर इस जगह से तो फिर न्यू ये हायर लो बनना है ना ऑलरेडी, तो मतलब रेड कैंडल ने, पहले वाला रेड कैंडल ने शो किया है कि मतलब बायर को ये टेस्ट किया है, फिर बायर ने यहाँ से छोटा वाला जो कैंडल है इसमें इसमें सक्सेस नहीं हुआ कि इसको आगे तरफ ले जाए, फिर रेड कैंडल आया। इसका मतलब हम लोगों को मतलब ये तो सोचना है कि बायर यहाँ पे कमजोर हो गया, क्योंकि दो दो बार रेड कैंडल आया है, फिर बायर ने लड़ाई करके ऊपर चढ़ा है, पर फिर नेक्स्ट जब रेड कैंडल आ गया है, इसका मतलब कि अभी बायर का जो स्ट्रेंथ जो है ये इधर में डाउन पड़ गया है। बिल्कुल, देखिए सही बात है, अगर इन्हें तोड़ना होता, बायर स्ट्रांग होते तो यार तोड़ देते विक सहित, तोड़ देते इसलिए थे कहता जी हूँ कि विक को पूरी सर। तरह एनगल्फ कर देना चाहिए हमें। हाँ मेरा जी मेरा एक बताइए। डाउट है सर यहाँ पे, सर हाँ जी पूछिए। मेरा एक डाउट है, ये जो ग्रीन कैंडल बना ना, ये बड़ी वाली। हाँ जी, तो अगर ये ग्रीन कैंडल जो हाई बनाया ना, अगर ये हाई जो पिछले वाली रेड कैंडल जो है ना स्विंग हाई बना के, स्विंग हाँ हाई उसी के विक के अंदर में अगर रह गया, हाँ हाँ जी देन कैन वी गो फॉर द नेक्स्ट बाई अपट्रेड के लिए जा सकते हैं क्या? अगर ये स्विंग हाई के अंदर में रह गया तो, क्योंकि हाँ ये वही एंगल्फ कर दिया यहाँ पे जो छोटे कैंडल्स है ना, रेड कैंडल को एंगल्फ कर दिया और लेवल को भी ब्रेक करके क्लोजिंग दिया है, और ये इन हाई बनाया ना, अगर ये इसी के अंदर में वो जो स्विंग हाई है ना, हाँ, स्विंग हाई के अंदर में अगर रहता है, कैन वी गो हाँ फॉर अपट्रेंड? हाँ जी, इसी का मैं आपको आंसर देता हूँ। देखिए हाँ वो वीक में गैप हो तो। हाँ, वीक में गैप है, लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ ध्यान से समझिए, दो कंडीशन हम यहाँ पर देखते हैं। मेरे पास एक रेड कैंडल इस तरीके से बनती है, यहाँ पर इसको ध्यान से समझना है, मुझे पता थी हर किसी का डाउट आता है इस पर। यहाँ पर कंडीशन क्या है, ठीक ये मेरी सैलर कैंडल है मान लेते हैं। अब यहाँ की कंडीशन में अगर ये कंडीशन इस तरीके से होती, जो मैं सेम कंडीशन बना रहा हूँ इस, जो यहाँ पर बनी हुई है, अच्छी। अब यहाँ भी क्या हो गया, सेलर वीक हो जाते हैं इस तरीके, जो कि यहाँ पे हो गई, मान लेते सेलर वीक हो गए, स्विंग हाई नहीं है इसमें तो इसे भी हटा देंगे, इस तरीके सेलर वीक हो गए। अब आती है बायर कैंडल विदाउट स्विंग लो, बट इसने गलती क्या करी, मैं इस पे नेक्स्ट पर अप की ट्रेड कर सकता था, अगर ये इसको टेस्ट नहीं करती, मतलब इसकी विक को टच नहीं करती, तो अच्छा, इस कंडीशन में क्या हुआ, टच कर दिया, मतलब यहां से रिजेक्शन अब भी है, कट करते हैं। अगर यहां पर ये इस तरीके से रहती, गैप हो ये तो। हाँ हाँ टच नहीं तब होती, तो तब आप नेक्स्ट पर अप की ट्रेड करते, बट इस एमओएस बॉडी के नीचे आने पर आपको पता चल रहा होगा कि इस बॉडी के नीचे, फिर मैं क्यों कह रहा हूं, बायर ही तो लेके गए होंगे ऊपर,
तो आपकी नेक्स्ट कैंडल किस तरीके से बनने की चांस होते, ग्रीन कैंडल बनती या फिर ऐसे टकरा कर रेड बनती, इस तरीके से छोटी पर आपकी विन हो जाती, या तो ग्रीन बनती या छोटी। पहले अगर नीचे आती तो पहले ऊपर जाती, फिर नहीं करते, सिंपल या होता। फिर अच्छा सर, या फिर इसमें थोड़ा सा गैप डाउन ओके मार के लगा के भी अगर अपसाइड जर्नी करता तब भी तो ले सकते थे ना, क्योंकि थोड़ा सा पर गैप टच डाउन होने नहीं, से तो हाँ ग्रीन टच नहीं करना कैंडल के चाहिए, एरिया से टच नहीं करना चाहिए, ऊपर टच नहीं करना चाहिए। ऊपर विक्को ओके टेस्ट नहीं करना चाहिए। विक्को टेस्ट करने का मतलब क्या हुआ, सेलर ने अपना रिजेक्शन ऑलरेडी दे चुके, न्यू हाई बना दिया, बात अलग है वो, उसे छोड़िए। न्यू हाई तब काम करता है जब सेम कलर का होता है कैंडल, यहाँ पर सेम कलर नहीं है, वो अपोजिट कलर के पावर है, दोनों में बहुत अंतर है। एक में टच करना, टच कर दिया छोड़ दीजिए उसे, कुछ नहीं करना। अच्छा अगर टच नहीं करा ट्रेड कीजिए दबा के, कोई दिक्कत, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से दबा के, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी से, क्योंकि यहाँ पर छोटे से रेड या ग्रीन आएगी आएगी, पर छोटी आएगी, ज्यादा बड़ी नहीं आएगी। क्लियर है कंडीशन है। जी एंड जी आपको गैप अप गैप डाउन में एक चीज बता देता हूँ, बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग, मैं बताता हूँ, बड़ी दिक्कत है। मान लीजिए कोई लेवल है, दोनों कंडीशन को समझना आप। मान लीजिए इस तरीके से लेवल ब्रेक हुआ, ये सैलरी से ब्रेक, अगर यहां पर बॉडी इस ओपनिंग से ऊपर दे देती है ना, इस क्लोजिंग से ऊपर ओपनिंग देती है, तो आप नेक्स्ट पर ये मत समझना कि भैया क्या कि कंटिन्यू करेगी बॉडी के अंदर से हुई है ऊपर, वो ओपन ही इस वजह से हुई है क्योंकि उसे ऊपर दी टेस्ट करने जाना, एक कंडीशन ये था। लेवल ब्रेक करने के बाद हमेशा बॉडी के अंदर से ओपनिंग होगी, तो वहां पर कंडीशन होगी, मैक्सिमम टाइम आपको रीटेस्ट करती हुई नजर आ जाएगी। बट एक कंडीशन आपको बताई होगी, उसमें मार्केट ऊपर, जैसे इस कंडीशन को देखिए, टारगेट किधर है, इधर बॉडी के अंदर से ओपनिंग हुई, तो इसका मतलब ये है कि बॉडी के अंदर बायर बैठे हुए, इस पर ट्रेड कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं आपके लिए। लेकिन इस पर आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, जो मैंने अभी कंडीशन बताई थी आपको, ये जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी, इस तरीके से मान लीजिए तोड़ देती है, इस तरीके से तोड़ देती है, तो ओपनिंग हो जाती है इधर से, तो आप इस पर ट्रेड नहीं करेंगे अप डाउन के लिए, क्यों कंटिन्यू नहीं करेंगे यहाँ पर, आप रिवर्स भी नहीं करेंगे, कंटिन्यू भी नहीं करेंगे, वेट करेंगे। पहला तो कारण ये है कि लेवल ब्रेक हुआ है, दूसरा कारण ये, इस गैप अप को आप ये मत मान लेना बॉडी के अंदर से तो नीचे आ जाएगी, आ जाएगी नीचे पर ऐसे जाकर ऊपर क्लोज दे देगी, मैक्सिमम टाइम यही होने वाला। दोनों में अंतर समझ गए आप, गैप अप में, गैप डाउन में। एक दिखा दूंगा मैं आपको, ऐसा कोई एग्जांपल मिलेगा तो, जो लेवल ब्रेक करके गैप दे रहा होगा या गैप डाउन दे रहा होगा। ठीक है जी भैया, यहां तक आपने पढ़ा, पढ़िए जी साइमल जी, स्कैंडल पर आ गए आप। फिर हाँ ठीक, इसका तो किया। उसके बाद फिर बायर को मतलब ये किया, ये छोटा अच्छा रेड कैंडल बनाया ताकि मतलब बायर आ सके। बिल्कुल। फिर इधर में भी बायर नहीं आ पाया। किधर, अच्छा इस वाली कैंडल पे आप बात कर रहे ना, जी, यस। मतलब फिर अगर बायर आने का चांसेस होता तो इस जगह पे ट्राई कर सकता था बायर। अच्छा रिवर्सल की तो आप सोच ही नहीं सकते अब, क्योंकि स्विंग आई नहीं नहीं आपके नहीं पास। जी, व्हाट इज योर टारगेट, नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? एक टारगेट तो मेरा ये होगा। हाँ, ये एक टारगेट है। फिर ओके टारगेट पे मजे ले रही है ये, मिले देखिए उसके। जी टारगेट पे रिजेक्शन ले रही है ये दोनों। हाँ जी भैया बताइए। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो है हमारा सी लाइन है। पर इसमें भी उसका नेक्स्ट कैंडल में भी वीक आया है सेलर। हाँ बिल्कुल रिजेक्शन ले रहे हैं, इस कैंडल में वीक आए, वेरी गुड। बहुत वीक आया है तो तो अब यहाँ पर आप क्या सोचेंगे, आप यहाँ पर ऐसे सोचेंगे कि इस लगातार दो कैंडल में हाँ सेलर डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब यहाँ से बायर आने चाहिए अगर बायर आने का। इंटरेस्टेड है तो, जी, बट आए इस क्यों जगह पे नहीं, बाहर क्यों आने चाहिए। नहीं आए? वो इसलिए नहीं आए भाई जी, क्योंकि भाई हमारे पास या तो स्विंग आई नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई सपोर्ट लेवल है, दिस इज ओनली रेजिस्टेंस लेवल।
जी भैया बताइए। अब ये कैंडल आती है स्ट्रॉन्ग होके, तो नेक्स्ट पे क्या करें बताइए। इसमें तो जबकि बायर इतने में भी ट्राई करने के बाद भी नहीं आया, फेल कर गया। उसके बाद फिर एक जो ये रेड कैंडल तो स्ट्रांग होके आया है ये वाला, तो इसके बाद तो अगर हम लोगों को ट्रेड लेना है तो एमओएस के साथ लेना होगा। वेरी गुड, एमओएस के साथ ट्रेड लेना। कोई और अपना ओपिनियन देना चाहेगा यहाँ पर, कुछ दिख रहा हो आपको कुछ? इंटरलाइन अंडरलाइन नीचे देख लेते, कहाँ फिक्स कर लेते हैं। ओके, सेंटर लाइन इधर है, मेरी आंखें देख पा रही हैं तो इस बिंदु को देख पा रही हूँ, दिस इज सेंटर लाइन। क्लियर जी। जी भैया जी, सेंटर लाइन इधर है, टच नहीं हुई, थोड़ा नीचे रहेगी। तो इसमें तो हम लोग एमओएस के साथ जा सकते थे। हाँ जी बताइए, एमओएस के साथ जा सकते हैं क्या, जी कोई सर, हम लोग जा बताएगा? सकते हैं। जी सर, एमओएस के साथ नहीं जा सकते क्योंकि अभी एडवांस जा उसने सकते। लेवल ब्रेक करके आया है, तो अभी हम वेट करेंगे और देखिए नेक्स्ट कैंडल ग्रीन में बिल्कुल लेवल ब्रेक किया बिल्कुल। बायर ने अपने आप को वीक करा है, तो उससे नेक्स्ट कैंडल पे भी हम वेट करेंगे। लेकिन जो कि नेक्स्ट रेड कैंडल जो है वो सेंटर लाइन पे पहुंच गई, अगर सेंटर लाइन से गैप होता तो हम इससे अगली कैंडल मैं पे जरूर आपको ट्रेड करते। बिल्कुल, अब मैं यहाँ पर आपको कंडीशन बताता हूँ। सबसे पहले तो ये हमारी विनिंग कैंडल हो सकती है, हाँ लो जी दो मतलब अचानक दो कैंडल जी वीक के बाद लास्टिंग स्ट्रॉन्ग। पर कैंडल। लेकिन यस सर पर हाँ, पर मैंने आपसे एक बात बोली थी कि लेवल होना जरूरी है, पर हमें नहीं पता कि पीछे ये वाला लेवल काम कर दे, क्योंकि तो देखिए माइनर में तो ऐसा हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा इस पर, आपने सही बोला कि इस पर हम जा सकते हैं, बट लेकिन आप हम विनिंग कैंडल को मानकर आप यहाँ वेट करेंगे, क्योंकि यही कंडीशन माइजर के साथ होगी। अभी देखते हैं आगे वाला लूप, इस पर आप वेट करेंगे लेकिन नेक्स्ट पर आप वेट नहीं करेंगे। आपको पता है कि अगर बायर ये एग्जॉशन होता तो बायर यहां पर खुद को वीक नहीं करते स्विंग लो बना के, सिंपल सा लॉजिक है। अगर ये एग्जॉशन होता तो बायर अपने आप आपको वीक नहीं करते स्विंग लो बना के। आप इस कैंडल पर ट्रेड डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि सेंटर लाइन में अभी टच नहीं हुई है, गैप है। बायर ने जानबूझ के खुद को वीक किया क्योंकि मार्केट को नीचे जाना था सेंटर लाइन तक टारगेट में। आप इस कैंडल पर डाउन की ट्रेड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा आपको क्या सोचना है, इसी तरीके से सोचना। देखिए मैं आपको बताता हूं क्यों सोचना। बायर इधर, मैं इसे रफ कर देता हूं, सेलर इधर वीक हो रहे हैं, इधर वीक हो रहे हैं, तो बायर को तो इसी कैंडल में आना चाहिए था, इधर रेड बनी जी सर। पर नहीं हाँ, आई। मैंने यही लॉजिक लेके एक्चुअली किया था कि हाँ बायर को उधर आना चाहिए बिल्कुल था। हाँ, बट जब दो लेकिन बार पिछले 2 बार में नहीं आ पाया तो नेक्स्ट टाइम में तो हाँ, आएगा ही नहीं। बट विनिंग कैंडल का भी तो हमें ध्यान में रखना है कॉन्सेप्ट, उसे भी नहीं, ट्रेंड जी के सर। अंगेंस्ट तो बिल्कुल। तो हम इसे सोच लेते, चलो जी विनिंग कैंडल हो सकती है, ये सोचना हाँ, पड़ेगा एक ना चारों तरफ जी जी से, जी हमें जी चारों तरफ से सोचना है ना, क्योंकि माइनर वेव है भैया, कुछ भी हो सकता है। पर अगर ये विनिंग कैंडल होती इजाज भाई जी, अगर ये विनिंग कैंडल होती तो क्या बायर को इस तरीके से आ जाना चाहिए था? जी आना चाहिए था। जी सर, आना चाहिए था। लेकिन बायर क्यों खुद को श्रिंक कर रहे हैं? क्योंकि टारगेट में गैप है, टारगेट तक मार्केट आएगी आएगी, उसकी मजबूरी है, पीछे कोई अचानक लेवल है नहीं, और अगर है भी तो केवल रेजिस्टेंस लेवल है। लेकिन एमओएस उधर भी चाहिए सर। एमओएस हाँ बिल्कुल, ऊपर जाने पर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो ट्रेंड जहां भी मिले लेना चाहिए। के अगेंस्ट तो जहां भी मिले लेना चाहिए, सच बात ये तो ये। मेजर में नहीं मिलता है भाई हाँ ट्रेंड एमओएस। मेजर में नहीं मिलेगा, मेजर में आपको करनी पड़ेगी ओपनिंग पर ही, मेजर में नहीं देगी वो मेजर पर। तो आप एमओ, तो इस पर आप डाउन की ट्रेड कर सकते हैं, कोई आपको डाउट? लेफ्ट लेके इसलिए मैं सुना। आप ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक की जर्नी का पेशेंस, यही तो परीक्षा है। एग्जैक्टली यही पावर है, यही परीक्षा आपकी। उसको डेवलप करना है मेरे को। बिल्कुल धीरे धीरे हो जाएगी, यहां से यहां तक का पेशेंस। लेकिन जरूरी नहीं कि आपकी ये ट्रेड मिस हो जाए या फिर
तो पैनिक हो जाएंगे, नहीं जाने दीजिए इग्नोर, क्योंकि अब भी ट्रेंड के अगेंस्ट लिए लेकिन लोजिक, बट अगर मिस भी हो जाए तो आप टेंशन के मेरा भी लॉजिक ट्रेंड के साथ नहीं जाना, मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना, मेरे को वेट करना है। ठीक, समझ पा रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो इस कैंडल का जो पेशेंस है, लेकिन अब हम इस लूप को पढ़ेंगे, और इस लूप को पढ़ेंगे भैया, पवन भाई का मैसेज आया था तो पवन भाई पढ़िए। ओके तो सर, लोअर लो मार्केट सॉरी हायर हाई के बाद हायर लो बनाने बना दिया इधर सेंटर लाइन तक, ओके यस, और नेक्स्ट ग्रीन कैंडल आई है बट स्विंग लो बना के आई, हल्की आई भी छोटी है थोड़ा वीक ग्रीन अच्छा कैंडल आई। बिल्कुल। हाँ बट मेरे एक क्वेश्चन रहेगा यहाँ से, बायर यहाँ पर खुद को वीक क्यों कर रहे? मेरा नहीं, आपका भी क्वेश्चन होना चाहिए बायर से। तो बायर से पूछिए जरा कि भाई साहब आप क्यों वीक कर रहे हैं खुद को? किसी के दिमाग में कोई आ रहा है? जी सर, वो सेलर को टेस्ट कर रहे हैं और सेलर को गुंजाइश दे रहे हैं कि वो मजीद हाँ, इसमें एक तो नीचे ये ले भी हो जाए। सकता है, एक ये भी हो सकता है। देखिए टेस्टिंग अलग होती है, टेस्टिंग टेस्टिंग क्या होती है, टेस्टिंग तब होती है जब मार्केट गड़बड़ कर रही है। यहाँ पर क्या है, बायर को तो ऑलरेडी दिख रहा है कि सेलर गुस्से में पावर में, तो बायर को यहाँ वीक होना ही चाहिए। अगर बायर यहाँ वीक नहीं होते तो बेवकूफ है फिर। मैंने अभी लाइव वीडियो, हाँ मैंने अभी लाइव वीडियो डाली थी लास्ट टाइम दिवाली वाले दिन 12 तारीख को, तो उसमें मैंने सेम यही, जब चुल्लू भर पानी वाला, अगर आपको याद है, जी सर, तो वही कॉन्सेप्ट बैठ रहा है, यानी पीछे से स्ट्रोंग हो रहे थे बायर, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए था उन्हें अगर वहां पर सेलर, मतलब अगर एंगल्स नहीं करते। तो यहाँ पर बायर ने खुद को वीक क्यों किया? वहां पर मैंने क्या बोला था, अगर समझदार सेलर बैठे होंगे तो वीक करेंगे खुद को, क्योंकि पीछे की पावर को देखते हुए। तो यहां पर भी तो बायर ने सेम किया है, क्यों पवन भाई? हाँ यही सर, कारण है? बिल्कुल बिल्कुल। तो मूर्खता तो इन्होंने की है ना। बताइए अगली कैंडल। हाँ सर, फिर नेक्स्ट बायर आए हैं थोड़ा स्ट्रांग होके खुद से, एंड सेलर से भी स्ट्रांग है ये नेक्स्ट बायर मूर्खता भी। किसने करी है? मूर्खता बायर ने कर दी, नहीं कर दी? स्कैंडल में अभी वाली हाँ क्यों? क्योंकि जब सेलर इतने स्ट्रोंग हैं तो बायर क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? सिंपल सी बात है, यहाँ पर सेलर, ठीक है, सेलर जो है यहाँ पर, जो बायर है वो वीक हुए, सेलर को मौका दिया, सेलर फेल हो गए। मूर्खता करी बायर। सर, यहाँ पर बायर भी वीक आए थे बट यहाँ पर सेलर भी नहीं आ पाए, हाँ तो यहाँ तो पर बायर दोनों को अलग। गड़बड़ कर रहे हैं। जब गड़बड़ होती है तो आपको ऐसे सिनेरियो देखने को मिल जाते कई बार, हाँ हाँ समझ रहे हैं? बताइए नेक्स्ट कैंडल। तो नेक्स्ट डे बायर कैंडल आई थी, पर उसके बाद नेक्स्ट जो डोजी बनी है उस पर ट्रेड नहीं कर सके, लेफ्ट लेग था ना उसको ब्रेक कर वेरी दिया था। गुड, ये चीज समझ रहे हैं आप, लेफ्ट लेग था, इस वजह से हम डोजी पर ट्रेड नहीं कर सकते। स्विंग लो भी हमारे पास, वीक के बाद स्ट्रोंग भी हो रहे, तो क्या पता एग्जॉस्ट भी हो, कुछ भी हो सकता है। हाँ जी भैया बताइए, फिर से आपको लॉजिक स्ट्रक्चर की भी अपनी एक्सपेक्टेशन को रखना है कि हमारी एक्सपेक्टेशन अब भी ये होगी, और यदि हायर हाई बनाना होगा तो किसको वीक होना पड़ेगा? बताइए को सेलर को। वेरी गुड, चलिए जी भैया। तो नेक्स्ट रेड कैंडल आई है, सेलर्स खुद को वीक कर रहे हैं यहाँ पर, एंड बायर्स भी वीक है, बिल्कुल बायर्स स्ट्रॉन्ग है, सेलर्स वीक हो रहे हैं क्योंकि न्यू हायर हाई बनाना है तो खुद को ये वीक करना चाहिए इसको भी। बिल्कुल बिल्कुल। सर, ये लेवल के ब्रेक होने की वजह से रीटेस्ट कैंडल नहीं मानेंगे हम इसको? लेवल कौन सा वाला? ये जो पिछले लेफ्ट लेफ्ट लेग को लेग उसने, नहीं, अभी तो जोन के अंदर ही है। लेफ्ट ये लेवल नहीं है, लेवल नहीं है, लेवल नहीं कहेंगे हम, अभी तो जोन के अंदर ही है ये बेचारी। ठीक है, तो अभी हम ब्रेक नहीं हुआ, देख रहे, यही तो गड़बड़ है, बस आपको जोन ड्रॉ करिए, जोन। ओके 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 ओके। ठीक है, हाँ जी भैया चलिए। हाँ जी, रेड कैंडल के बाद
ग्रीन कैंडल आई, बट खुद से जो है ना वीक एंड सेलर की जो वीक कैंडल है ना उससे भी वीक है। यस, तो क्या सेलर को इसमें आ जाना चाहिए था? हाँ सर, आज इससे जाना अच्छा चाहिए मौका था तो नहीं पर था, इससे अच्छा मौका था इनके कुछ पास, नहीं। नहीं सर, तो गवा दिया ने, गवा दिया। चलिए भैया, एंड सेलर्स पहले कैंडल ये नेक्स्ट वाली नीचे लेके भी गए थे, बट रिजेक्शन भी बहुत ये बायर्स रहे। बिल्कुल बायर्स कैंडल जो है ना खुद में ही वीक हो गए, ये कैंडल विक्स में खुद की भी वो। वेरी गुड, ठीक है। तो ये बायर कैंडल में बॉडी तो इंक्रीज हो रही है बट लेकिन एक ही कैंडल में हो रही है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से इसकी वीक के अंदर क्लोजिंग है तो अभी वेट करेंगे। ठीक है जी भैया, हाँ सर, फिर नेक्स्ट ग्रीन कैंडल आई पर खुद से इंक्रीज होके आई। लास्ट टू कैंडल में अगर देखेंगे बायर से भी पावर में है और खुद से भी जो है स्ट्रॉन्ग है कैंडल नेक्स्ट ये ग्रीन बिल्कुल कैंडल जो। यू कैन ट्रेड हेयर। हाँ, इस पे लेवल में भी गैप है तो यहाँ पर तो ट्रेड वीक के करना अंदर क्लोज नहीं है, चाहिए। यस यस, मैं ये इसी क्वेश्चन का तो वेट कर रहा था, मैंने देर से यही 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 आया। मैं भी पूछने वाला था कि हाँ ये तो उस वीक के अंदर में बॉडी अभी तक ठीक है, क्लोज है तो इस पे रिस्की होगा। यही हाँ क्वेश्चन, यही क्वेश्चन क्योंकि मैं आपसे, उसके वीक के ऊपर सेलेस रहते ना। मैं भी यही न्यू पूछने वाला हाई, था, न्यू हाई और न्यू लो वाली वीडियो किस किसने देखी है? मैंने देखी सर, देखा सर, मैंने मैंने देखिए, देखी। आप जो करें विक के अंदर क्लोजिंग है, आप यदि मैं से जूम करूं और मैं आज एक लाइन देखिए लगाऊं सर, तो क्या विक पर ही क्लोजिंग है? जी सर, नहीं विक से नीचे सर, थोड़ा अगर ये विक पर क्लोजिंग नीचे। होती तो वेट करते, तो हम यहाँ पर यहाँ पर गैप इसलिए छोड़ा ताकि तोड़ पाए, और न्यू हाई ऑलरेडी बना चुकी है। और देखिए बायर सेलर इधर फेल हुए हैं, इधर फेल हुए हैं, इधर इतना फेलियर काफी है। जैसे बायर इधर फेल हुए हैं ना तभी मार्केट इधर गड़बड़ कर रही है, ठीक जी सर, है? तो ऐसी सेलर इधर फेल हुए हैं, तो ऐसे में आप नेक्स्ट पर आप जा सकते हैं क्योंकि इसने इसको तो ब्रेक कर दिया ना, जो सेलर वाला स्विंग आई था इससे नीचे क्लोजिंग होती तो वेट करते। सेलर के हाई को ये तोड़ दिया बायर सर। वाला स्विंग हाई है, नहीं, ये वाला, हाँ स्विंग हाई जो था, ये जो डोजी वाला है, ये इसको तो ब्रेक कर दिया ना। मेन तो यही था, मेन हाँ उसको रिजेक्शन तो ब्रेक यही कर था ना दिया। हमारा। ये तो हमारे न्यू हाई बना रहे हैं, बायर का इंटरेस्ट शो करा रहे हैं न्यू हाई बना के। ठीक हाँ अगर है, देखिए इसको मैं न्यू आपको न्यू हाई बताता ना हूँ बनाते फिर नहीं जाते ना। इसके अंदर की कंडीशन को हम समझते हैं। देखिए ये लाइव अकाउंट पे इसको प्रैक्टिस से समझा जाएगा, मैं बताता हूँ इसके अंदर की कहानी बताता हूँ मैं। सेलर इधर बैठे हुए हैं और यहाँ पर सेलर इतने स्ट्रांग बैठे हुए कि उन्होंने सेलर कैंडल दे दी, ठीक। लेकिन यहाँ पर सेलर इतने स्ट्रांग नहीं बैठे हुए जो वो सेलर को बस परिवर्तित कर सके, मतलब ये कैसा वर्ड आ गया, मतलब चेंज कर सके सेलर कैंडल में। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर यहाँ सेलर स्ट्रांग होते, चलिए जी कोई दिक्कत नहीं है, तो इस कैंडल में सेलर को आ जाना चाहिए था क्योंकि यहां से तो रिजेक्शन ले रहे हैं ना। अच्छा, यहां से हाँ यहां तक कौन निश्चित, लेके गया? बायर, बायर वायर यहां से यहां तक को, यहां से इस कैंडल में देखिए यहां तक कौन लेके गया? बायर। लेकिन नीचे रिजेक्ट कर दिया, मतलब बायर अब भी, बायर अपनी जगह बदल ले, लेकिन अगेन यहां से यहां तक कौन लेके गया? बायर ही लेके बायर गए थे। रिजेक्ट। तो बायर ने अपनी यहां पर जी गए, यहां चेंज की, मतलब कहीं ना कहीं बायर स्ट्रोंग नजर आ रहे हैं। वो कौन बता रहा है? ये दो कैंडल कंफर्म कर दिए, मैंने ये नहीं बोला कि यहीं पे बायर है, जब ये दो कैंडल आई तभी तो कंफर्म कर रहे हैं। और ये न्यू हाई ऊपर से अभी भी गैप है तो यू कैन ट्रेड एयर, क्योंकि मार्केट ऊपर जाना चाहती है। अगर जाना होता तो या तो यहां से जाते या फिर यहां से जाते, इनसे दो ऑप्शन नहीं था। अच्छा अच्छा ऑप्शन, तो यू कैन ट्रेड हेयर, राइट, बहुत बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सोचना होता है, ये तो लेवल पर पहुंच गई, वेट करेंगे। अगर मैं जोन ड्रॉ करूँ तो इस तरीके से जोन ड्रॉ होगा इसका, एंड इधर बायर वीक हुए, यहां पर सेलर को आना चाहिए था। क्या मैं नेक्स्ट पर की ट्रेड करूँ? नहीं, मोरू बोजू कैंडल ऊपर से न्यू आई नहीं, मेरे पास जी हायर आई भी बन गया, याद रखना।
बस आप इस कैंडल पर तो ट्रेड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब भी ये, अगर ये मोरूबोरी एग्जॉशन होता वीक के बाद स्ट्रॉन्ग, तो ये कैंडल को आना बनता ही नहीं था, ना ही हाई तोड़ पाती है अपना। और सेलर बायर, सेलर क्या है, सॉरी सेलर करो, बायर क्या है, अब भी अपोजिट ग्रुप से स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग है। तो यू कैन ट्रेड हियर, सिंपल। नेक्स्ट पे वेट करेंगे, क्योंकि न्यू हाई नहीं बना, खुद की वीक के अंदर क्लोजिंग है, इतने ऐसा सोचना। और रेफरेंस खत्म हो गया तो ज्यादा दूर तक नहीं जाना रेफरेंस के साथ, एक दो कैंडल लेके बाहर निकल जाना, वेट कर लेना। तो सर ये थी बोले कि हमारी इसको हम ट्रेड कर सकते थे इस कैंडल पर, पर नहीं कर सकते डाउन उसका के, डाउन के नहीं लिए, कर सकते थे ना। डाउन के लिए नहीं नहीं आपसे आपके लिए ही आपके नहीं, लिए आपके क्यों, लिए सर, क्योंकि अभी उसके क्योंकि ये वाला थोड़ा वीक ये सिग्नल दिया है ना, तो और भी लेवल के लेवल पे है, तो ये थोड़ा डाउट हो जाता है ना इसमें। आप इस वाली कैंडल की बात कर रहे हैं ना, इस वाली की अमर कुछ इस वाला वाली मोरू बोजू पर ट्रेड करनी है क्या? नहीं नहीं सर, सर, नहीं नहीं, वही ना मोरू बोला, बोजू का नेक्स्ट कैंडल इसको पे। तो अच्छा, नहीं करना है। हाँ मोरू बोजू के उसके नेक्स्ट, देखिए मोरू बोजू के नेक्स्ट कैंडल पे तो आप हमेशा वेट ही करेंगे, मोरू बोजू है तो। और अभी भी ये वीक के बाद स्ट्रॉन्ग एग्जॉशन शो करा रहा है, लेवल ब्रेक कर रहा है। देखिए वीक को जी। छोड़िए, अब आप तो मेन लेवल को देखेंगे ना, हाँ मेन हाँ लेवल टूट रहा है। वीक को मैंने कब देखा कि मेन लेवल को ये सपोर्ट ही करने को तैयार नहीं है। अगर सेलर को आना होएगा तो भैया यहीं से इसको तोड़ेंगे क्यों बायर? बायर को तोड़ेंगे क्यों? यहां तो तोड़ दिया, तो आप इजली इस पर अपकी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अब भी ये सेलर से स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से अगर सेलर से वीक हो जाते तो वेट कर लेते हैं मेजर अप है, इस वजह से। तो ये कहानी है। तो हमने कहाँ कहाँ ट्रेड करी है, ये ट्रेड ली थी, एक दो तीन, एंड इधर तो कोई नहीं है, चार इधर भी कोई नहीं है, पांच, छह, सात, सारी ट्रेड मैक्सिमम एक को छोड़कर सारी मेजर के साथ। हाँ यही तो पावर है। अगर आप कितने मिनट, यहां पर कितनी कैंडल होंगी गिन लेते हैं, देखी कि भैया मैं यहां पर एक भी कैंडल रिवर्सल की ट्रेड नहीं मिली मेरे को। नहीं मैंने लिया भी नहीं एक भी, कोई भी हाँ रिवर्सल के लिए देख तो रहे, लिया ही नहीं। रिवर्सल की कोई कैंडल है ही नहीं तो कहां से लें? नहीं नहीं जी जी लेवल पे जी कई बार क्लोजिंग दी है, यहां लेवल पे क्लोजिंग है भैया, तो कर दूं क्या डाउन की ट्रेड? बच गए पैसा। यहां भी देखिए एक और चीज दिखाऊं आपको मैं, ये तो वीक भी हो गए, लीजिए मार्टिंगल कितना लेंगे, एक दो दो तीन तीन गया वो चार, खाली हो चौथी में, गया, चौथी में तो हमेशा बोलता हूँ मैं, धड़कन भार दिल भार मार्टिंगल पे, सारी पूरा लोड अकाउंट अकाउंट से लड़े तो अकाउंट। आपको हार्ट अटैक हाँ हाँ वो तो है, आ इसी वही मैं जाएगा, बोला ठीक कि है। अकाउंट पे बात की बात है, तो यही तो चीजें, यही हमारे लॉजिक से है कि, और नीचे तो लेवल पर कहीं क्लोजिंग दी नहीं है, कितने लेवल पर क्लोजिंग है देखिए, कहाँ ये लेवल पर क्लोजिंग, ये लेवल पर क्लोजिंग सब मैजिक इधर, भी बन रहा हाँ सब मैजिक भी बन रहे हैं, सब पे ट्रेड कर मारिए, रिवर्स करते जाइए, हो गया क्या सर। बस, बना दिया आपने, बन गए प्रॉफिटेबल ट्रेडर? नहीं भैया ऐसा नहीं, आपको ये तो मुझे भी नहीं पता भैया कहाँ से इतनी अच्छी नॉलेज दी है भगवान ने, प्रैक्टिस से दी है वो तो सही है, बट बात तो सही है। दैट इज अमेजिंग, समझ रहे हैं? अगर आप पूरे रूल के साथ फॉलो करें ना सभी लोग, कोई भी प्रॉफिट करने से आपको रोक नहीं सकता, आपके खुद के अलावा, जी आपने ही खुद को रोक रखा है। क्यों रोक रखा है? बिलीव इन योर सेल्फ, उससे पहले मुझ पर और अपने आप पर, अपने आप पर मतलब अपने बॉडी पर नहीं, अपनी नॉलेज पर, अपनी मेहनत जो आपने की है अभी तक, उस पर बिलीव करना स्टार्ट कीजिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, मैं हमेशा बोलता हूँ, व्हाट इज द सेल्फ कॉन्फिडेंस? सेल्फ कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू जो सेल्फ के पास ज्ञान है ना, सेल्फ नॉलेज,
उस पर कॉन्फिडेंस को बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, यस और नो? जी सर, यस। मैं बोलूं मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस है, किस चीज पर? बॉडी पर? नहीं, नॉलेज पर सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन ये होती है, आज तक आपने तो गौर नहीं दिया होगा। सब बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस किस पर? हमेशा वो ज्ञान की, नॉलेज की बात कर रहे हैं। खुद पर, खुद पर मतलब किस पर? खुद पे जो हमने अचीव किया है, जो हम पे ज्ञान है उस पर, वही सेल्फ कॉन्फिडेंस है। वरना मैं अपनी बॉडी पे सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे कर रख लूंगा कि चल पा रहा हूं मैं? नॉर्मली चल रहे, पर जो अगर आपके पैर में चोट लगी है तब आप चलते हैं, तब कहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मैं चल सकता हूं, क्योंकि तो वहां पर फिर भी एक चैलेंज आ रहा है। विदाउट चैलेंज सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ ही नहीं सकता और ना ही आ सकता है। दिस इज द डीप थिंकिंग, मतलब एक अलग थिंकिंग है, समझ पा रही? यही सेल्फ कॉन्फिडेंस है। उसके बाद कुछ विश्वास होते हैं, जैसे कि पहला खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस, दूसरा अपने गुरु मेंटोर के ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर, ईश्वर के ऊपर। ये चार प्रकार के सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गए, ठीक है? तो ये चार प्रकार के कॉन्फिडेंस होते हैं, खुद के ऊपर मतलब नॉलेज के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर एंड गुरु की नॉलेज के ऊपर, तीन हो गए। उसके बाद ईश्वर के ऊपर कि वो हमेशा अच्छा ही करता हमारे लिए, ये तीन चार हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस होते हैं। क्लियर? सेल्फ क्लियर सर। कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन यही होती जी है। सर, तो वो करिए धीरे, वो कैसे आएगा? जब आप जो बोलेंगे उसको सच में बदल देंगे। मतलब आपने बोला आज मैं अपने मेजर के साथ ट्रेड करूंगा, आपने बोला आज मैं अपना स्टॉप लॉस हिट होते ही लॉस को एक्सेप्ट करके बाहर हो जाऊंगा, और आपने वो किया, यहां से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा। दिस इज द माइंड सेट, ऑल अबाउट माइंड सेट, समझ लें? यस